दुनिया में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। आज इस उपलक्ष्य में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेशवासियों से तंबाकू का सेवन नहीं करने की अपील की। इस दौरान डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि तंबाकू एक कैंसर कारक पदार्थ है और इसके सेवन से बचना चाहिए। रघु शर्मा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान सरकार, सभी प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप तंबाकू, पान मसाला एवं अन्य विषमकारी पदार्थों का सेवन नहीं करें। साथ ही अपने परिजनों, मित्रों और साथियों को भी तंबाकू एवं विषमकारी पदार्थों का सेवन नहीं करने की सलाह दें, उनको प्रेरणा दें। तंबाकू सेवन से, जैसा आप जानते हैं, गंभीर रोग होने की संभावना के साथ साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिससे कोरोना जैसी महामारी के संक्रमण की अधिक संभावना बढ़ जाती है। तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्तियों के उपचार में भी जटिलताएं रहती है। तंबाकू पदार्थों का सेवन छोड़ने के लिए सभी जिला अस्पतालों में तंबाकू मुक्ति केंद्र संचालित हैं। आप तंबाकू छोड़ने के लिए इन केंद्रों का सदुपयोग कर सकते हैं, वहां जाकर काउंसलिंग कर सकते हैं और धीरे धीरे इस बुरी लत से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमने टोल फ्री नंबर भी दे रखा है 104, उस पर सभी तरह की परामर्श की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। मैं आप सब प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि आप सब संकल्प करें कि हम तंबाकू का त्याग करें और अपने स्वस्थ जीवन को चुनें।